हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो आज की क्लास है वो प्रीवियस ईयर पर ही है, आज की भी, कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का मेरा जो क्वेश्चन पेपर है वो केवीएस का 2010 का क्वेश्चन पेपर है, जो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का अर्थ है। देखिए, प्रकृति मतलब जो नेचर है हमारा, नेचुरलिज्म जो है, उसके अनुरूप जो अध्यापन किया जाता है, मतलब टीचिंग कराई जाती है, उसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन, जीवन में कृत्रिम के विरोध प्रकृति की ओर वापसी, मतलब जो कृत्रिम चीज़ें यानी कि आर्टिफिशियल थिंग्स आपको क्लासरूम के अंदर दी गई हैं, उससे हटकर अपने नेचुरली जो हमें चीज़ें दी गई हैं अपने नेचर से रिलेटेड, उसकी ओर वापसी कर रहे हैं हम लोग। बी ऑप्शन है, मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों या नियमों के अनुसार शिक्षित करना, जो मानव विकास के अनुरूप हैं, जो हमारे प्राकृतिक सिद्धांत हैं, कि बच्चों को, जैसे बच्चे क्या हैं, स्टार्टिंग से आप देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहाँ खेलते हैं, अपने प्राकृतिक एनवायरमेंट में, मिट्टी में इधर। तो इसीलिए जो मानव का विकास हुआ है मिट्टी से लग के हुआ है, अपने समाज से लग के हुआ है, तो वहीं से उनको शिक्षा प्रदान करानी। सी ऑप्शन है, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन कराना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना। अब प्राकृतिक नियमों के बारे में उन्हें बताना कि हमारे प्राकृतिक यानी कि नेचुरलिज्म के कौन कौन से रूल्स हैं, लॉज हैं, और उनका आप लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, डी है आपका ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानव विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। जो प्रकृति के अनुरूप अध्ययन करना है उसका मतलब है कि मानव के विकास का अध्ययन करना, जो हमारे प्राकृतिक सिद्धांतों और नियमों पर आधारित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की व्याख्या करने में। यहाँ पे देखिए, आपको एक लाइन दी गई है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, मतलब जो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स के बारे में व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इसके अंदर सही वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है, सभी दार्शनिक समूह इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा को मूल रूप में विद्यार्थी की स्व अनुभूति आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा को किस पे, विद्यार्थी की स्व अनुभूत आवश्यकताओं पे आधारित होना चाहिए, मतलब बच्चा खुद करके जो सीखता है, खुद के अनुभवों से जो सीखता है उस पर आधारित होना चाहिए। ये हमारे कुछ दार्शनिकों ने कहा है। ठीक है, फिर प्रयोगवादियों ने क्या कहा है, बी में, प्रयोगवादी कहते हैं कि आवश्यकताओं के अंतर्गत संभावित परिणामों के साझेदारी पूर्ण रूप विचार सम्मिलित होने चाहिए। प्रयोगवादी कहते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं उसके अंदर परिणामों के साझेदार उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है यथार्थवादी। यथार्थवादी के अनुसार विद्यार्थी की आवश्यकताएं उसकी उस क्षण की इच्छाएं और संवेग होती हैं, जिस क्षण व्यक्ति काम कर रहा होता है, कुछ सीख रहा होता है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं उस समय की, उसकी कुछ इच्छाएं और कुछ संवेग होते हैं, ये यथार्थवादी के अनुसार है। ठीक है, लास्ट है ऑप्शन डी, प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी के अनुसार क्या है, आवश्यकता वह होती है जो प्रौढ़ व्यक्ति अनुभव करते हैं कि विद्यार्थी के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, प्रयोजनवादी कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे आपके दादा दादी ये सब होते हैं घर में, तो वो व्यक्ति बच्चों के लिए देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं। तो इसके अंदर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का जो सबसे अच्छी बात कही है और सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट हमें आंसर मिला है, वो हमें ए से मिलता है, जो हमारे दार्शनिक समूह ने कहा है कि बच्चे क्या हैं, खुद के अनुभव की आवश्यकताओं के अनुसार सीखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय विद्यालयों में अधिकांश ड्रॉप आउट इसीलिए होते हैं क्योंकि विद्यालय, जो राजकीय विद्यालय होते हैं तो उसमें जो बच्चे भाग जाते हैं स्कूल से, ड्रॉप आउट होते हैं किसी रीजन से, स्कूल से भाग जाते हैं, वो किस कारण से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की रुचि को कायम नहीं रख पाते हैं इसीलिए बच्चे भाग जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त मात्रा में पाठ्यन सामग्री क्रियाकलाप नहीं करवा पाते, वो एक जो टाइम लिमिट है उसमें क्या है, जो पठन सामग्री यानी करिकुलम या कंटेंट है उसको क्रियाकलाप में नहीं लेकर आ पाते हैं।
ऑप्शन नंबर सी, पठनचर्या में पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं। पठनचर्या में विविधता मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स नहीं होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बाकी जो आपके रूल्स होते हैं फॉर्मूलेज, लाइक जैसे मैं मेथड्स बताती हूँ, टेक्निक्स और स्किल बताती हूँ, वो नहीं होते हैं, ठीक है। और डी है, बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या है? रीज़न ए है कि विद्यार्थियों की रुचि का कायम नहीं रख पाते, ठीक है, इसीलिए ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई के प्रति, स्कूल एनवायरनमेंट के प्रति, कंटेंट के प्रति क्या है, बच्चे का खुद का ही इंटरेस्ट पहले डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? जो मानकीकृत और जो हमारे अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं, जो टीचर बनाता है परीक्षण, उसका मुख्य अंतर किस रूप में है, मानकीकृत में और निम्नीकृत में, ठीक है। वस्तुगता में, मानक में, विपण्यता में, ये समग्र गुणवत्ता में, ठीक है। तो इसका आंसर है वस्तुगता में, ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है? जो एक साइकोलॉजी है, जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़नी चाहिए? कि वो हमारी टीचिंग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके या टीचिंग में क्या है, सहयोग कर सके, ठीक है। ऑप्शन ए, उन उद्देश्यों को परिभाषित करना जिनकी प्राप्ति हेतु अध्यापक को प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। सी ऑप्शन, विभिन्न शिक्षण विधियों की सापेक्ष प्रभाविकता की तुलना करना। और डी, संभाव्य रूप में सफल शैक्षिक प्रवृत्तियों की पहचान करना, ठीक है। तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि संभाव्य रूप में सफल शैक्षिक प्रवृत्तियों की पहचान करना, इसीलिए क्या है, जो साइकोलॉजी है उसको हम पढ़ते हैं, अपने शिक्षा मनोविज्ञान को एजुकेशन में लेकर आते हैं, क्योंकि हमें शैक्षिक प्रवृत्तियों की पता चलती है कि बच्चे को किस रूप में डेवलप करना है, क्या चीज़ें उसे उपलब्ध करानी है, कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट, उद्देश्य को किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिकतम प्रभावी हो सके? जो आपके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको किस रूप में सार्थक कर सकते हैं ताकि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अधिक प्रभावी हो सके। ऑप्शन वन, अध्येताओं को आवश्यकताएं तथा प्रयोजन, जो आपके बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनकी आवश्यकता और प्रयोजन के अवसर दे सको। बी, पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्य। सी, विद्यालय के मानदंड। और डी, अंतर्निहित बौद्धिक विचार। इसका आंसर है आपका ए, अध्येताओं को आवश्यकताएं तथा प्रयोजन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है? किसी बालक को आप सीखने के लिए अभिप्रेरित कर रहे हो, मतलब मोटिवेशन दे रहे हो कि नहीं, आपको सीखना है, आपको करना है, आप अच्छा कर सकते हो, तो आप कैसे मोटिवेट करोगे? ऑप्शन नंबर ए, उसके आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान को आकर्षित करके। बी, सकारात्मक प्रेरकों यानी कि उद्दीपकों को खुलकर प्रयोग करके। सी, उन उद्देश्यों को पुनः प्रणालित करना जो व्यक्ति के पास पहले से हैं। डी, उसे असफलता और दंड का डर दिखाना। अगर आपको ऐसे करना है कि बच्चे को अभिप्रेरित करना है, तो आप उसे असफलता का और दंड का क्या है, डर दिखा सकते हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसमें एप्रोप्रिएट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रेरकों यानी कि उद्दीपकों का खुल के प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम रूप में कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है? अंतिम रूप में जो हमारे कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम में है, उसमें अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है, किस रूप में आप क्या है बच्चे को अभिप्रेरित कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विषय वस्तु में निहित रुचि, अध्यापक का व्यक्तित्व, पठनचर्यात्मक अनुभवों की उपयोगिता, कक्षा कक्ष का भावात्मक वातावरण, ठीक है। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, विषय वस्तु में निहित रुचि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिपक्वता से
पूर्व दिया गया परीक्षण आम तौर पर जब बच्चा सामान्य परिपक्वता यानी कि एक नॉर्मल मेच्योरिटी लेवल होता है उससे पहले जो परीक्षण बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या होता है आमतौर पर सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी होता है। ऑप्शन बी समग्र रूप में हानिकारक होता है। ऑप्शन सी अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन डी लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। इसका आंसर है आपका डी कि लाभकारी हो या हानिकारक वह इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेनिंग में क्या है किस विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विकास अनिवार्यता किसका मामला है। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं से अनुरूपता का, सामाजिक और सुरक्षा और स्वीकरण की उपलब्धि का, अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों का समाकलन। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कौशलों का विकास। इसमें आपका आंसर है आंसर सी सामाजिक विकास अंतर्व्यता किसका मामला है, अपने प्रयोजनों और सामाजिक व्यवस्थाओं के उद्देश्यों का समाकलन। ठीक है कि हमारे समाज में कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट कक्षा कक्ष अनुशासन किसके उन्याय के लिए अभिमुख होना चाहिए। सामाजिक अनुरूपता के अनुरूप होना चाहिए हमारा कक्षा कक्ष का अनुशासन, स्वनिर्देशन होना चाहिए, व्यक्तित्व तथा सामाजिक समायोजन का के अनुरूप होना चाहिए, ये स्वीकार्य कक्षा कक्ष व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कि व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन के अनुरूप हमारा कक्षा कक्ष अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, दो लड़कों में से प्रत्येक की बुद्धि लब्धि 120 है, आईक्यू लेवल जो बच्चों का है, दो बच्चों का उसमें 120 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हाई स्कूल तथा कॉलेज में दोनों सफल रहेंगे। उन लड़कों की मानसिक आयु समान है, दोनों की अभिक्षमता एक ही प्रकार की है और एक ही जैसी होगी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर है बी इन लड़कों की मानसिक आयु समान है, दोनों का आईक्यू लेवल कितना है 120। जरूरी नहीं कि दोनों हाई स्कूल और कॉलेज में दोनों सफल रहे, क्या पता एक बच्चा बहुत अच्छा निकल जाए दूसरा फेल हो जाए किन्हीं रीजन से। ठीक है, और अभिक्षमता भी हम किसी की नहीं बता सकते इस तरह से कि आईक्यू लेवल सेम है तो बच्चे का इंटरेस्ट और बाकी जो कैपेबिलिटी काम करने की वो भी सेम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है। वैज्ञानिक जो चिंतन है आपका, एक साइंटिफिक थिंकिंग जो होती है आपकी, उसमें जो निर्णायक पक्ष आता है जब आप निर्णय लेते हैं तो उसमें से कौन सा पक्ष है। पहला समस्या, परिणाम, विधि और परिकल्पना। तो निर्णायक पक्ष होता है आपका परिकल्पना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए। एक अध्यापक द्वारा एज अ टीचर आप जो ऑडियो विजुअल एड्स के साधन है, एड्स हैं, उनको किस रूप में समझना चाहिए। परंपरागत अध्यापन का अनुकूलन, अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक, ऐसी युक्ति जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती है, कक्षा के नित्य क्रम से अलग एक सुखदायी परिवर्तन। तो यहाँ पे इसका आंसर है आंसर नंबर ए परंपरागत अध्यापन का अनुकूलन। जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स है वो जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है उसका अनुकूलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर मानक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर जो मानक है किस नाम से जाना चाहता है, कौन से आपके आयोग के द्वारा ये चीज कही गई है। पहला कोठारी आयोग, दूसरा आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन, तीसरा यशपाल समिति प्रतिवेदन और डी है आपका जनादन समिति प्रतिवेदन। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन के अनुरूप एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर का मानक माना जाता है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका,
एक अध्यापन यह महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को, एक टीचर को ये फील होता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो उसकी टीचिंग से सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? टीचर को विद्यार्थियों को सलाह दें कि वे प्राइवेट ट्यूशन लगा लें, उसे स्वयं एक रिफ्रेश कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर जाए, कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, मुख्य अध्यापक से प्रार्थना करें कि वह उसकी कक्षा बदल दे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी कि उसे एक रिफ्रेश कोर्स लेना चाहिए टीचर को ताकि उसका अध्यापन जो टीचिंग स्किल्स हैं उनमें सुधार आए और बच्चे क्या है इंटरेस्ट लें और सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? मान लीजिए एज अ टीचर आपकी एक क्लास है और आपकी एक क्लास में एक ग्रुप आपका 5 बच्चों का 4 बच्चों का वो क्या है डेली बेसिस पे अनुपस्थित रहता है, इस क्लास में प्रेजेंट नहीं रहता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इस मामले की रिपोर्ट प्रधानाचार्य से करेंगे, प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे, मतलब विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे, क्रियात्मक शोध करेंगे, उन विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। तो आप करेंगे क्रियात्मक शोध जिसके अंदर आप पहले बच्चों को विश्वास में लेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों अब्सेंट रहते हैं, रीज़न क्या है, और देन उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी और सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं, तीव्र सामान्य कमजोर, जो आपके हमारे स्कूल में सेशन बनाए जाते हैं, सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी, तो ये क्या है विद्यार्थियों के घटते क्रम में बनाए गए हैं। ये मान लीजिए तेज यानी कि फास्ट माइंडेड बच्चा है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है कमजोर बच्चा है, तो इनको कैसे रखेंगे? ये सुपीरियर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इन्फीरियर हो गया, तो उसमें सेशनों को किस रूप में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से आप किस सेशन को पढ़ाना चाहेंगे? आप ए को पढ़ाना चाहेंगे जो सुपीरियर है, बी को जो नॉर्मल बच्चे हैं, सी को जो इन्फीरियर हैं, आप किसी भी सेशन को पढ़ाएंगे। एज अ टीचर आप कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे कि मुझे सुपीरियर क्लास दे दो कम मेहनत करनी पड़ेगी, नॉर्मल दे दो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या मैं ये वाली क्लास बिल्कुल नहीं लूँगा इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे बच्चों को देखना, तो आपको कोई भी सेशन दिया जाए या आपकी तरफ से भी पूछा जाए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे किसी भी सेशन को पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? एनसीईआरटी का कार्य कौन सा नहीं है इनमें से? विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखना, ये वाला कार्य तो बनता है एनसीईआरटी का, ठीक है, विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना, विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों का वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है एनसीईआरटी, जो भी कार्यक्रम हमारे स्कूल्स में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, शिक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देना, और शिक्षा रिलेटेड जो भी, क्योंकि एनसीईआरटी आपका एक एजुकेशन बोर्ड है, तो अगर शिक्षा नीतियों से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो वो सरकार को क्या है निर्देशन देगा, सलाह देगा, तो इसमें बी जो ऑप्शन है आपका वो कार्य नहीं करता है, वो क्या है विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? ठीक है, 28 में, मतलब जो आपके अल्पसंख्यक लोग हैं उसमें कौन से अनुच्छेद के अंदर उनके एजुकेशनल की बात कही गई है हमारे संविधान के अंदर? आर्टिकल 28 में, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 29, याद रखना। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के वर्गों के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं या शैक्षिक अधिकार हैं, एजुकेशनल राइट्स हैं, वो रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 11 नवम्बर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में सीटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मापदंड क्या होना चाहिए? आप कोई क्लास है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे क्या है सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, तो आप जो इनकी सीटिंग प्लान करेंगे कि यहाँ पे कौन सा बच्चा बैठना है, यहाँ कौन सा, यहाँ कैसा, सबसे पीछे कौन सा, मिडल में कौन सा, तो वो क्या सोच के आप सीटिंग प्लान बनाएंगे? विद्यार्थियों की व्यापारिक, सॉरी विद्यार्थियों की पारिवारिक
पृष्ठभूमि यानी कि दृष्टि के अनुरूप जो भी उसकी घर की कंडीशन है उसके अनुरूप विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संबंध, आपका एज अ टीचर किसी बच्चे के साथ कैसा व्यक्तिगत संबंध है उसके अनुरूप, बच्चों की लंबाई और दृष्टि की तीव्रता के अनुरूप, बुद्धि और अभिप्रेरणा स्तर के अनुरूप। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। हम हमेशा क्या करते हैं, जिन बच्चों की दृष्टि कमजोर होती है यानी कि लेंसेज लगे होते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो उनको हम आगे बिठाते हैं सहदेव की, उनको देखने में, ब्लैक बोर्ड देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और लंबे वाले बच्चों को पीछे बिठाया जाता है ताकि वो आसानी से देख सके, और छोटी हाइट वाले बच्चों को आगे बिठाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को, जो विद्यार्थी है अगर वो आंसर शीट चेक कर रहा है बच्चे की, तो जांचते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, कठोर होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, वस्तुगत या यथागत होना चाहिए, बीच का होना चाहिए, मतलब बीच का, ना कठोर होना चाहिए और ना ही क्या है, नर्म होना चाहिए। तो इस कंडीशन में कैसा होना चाहिए, टीचर को वस्तुगत व यथार्थ तथ्य होना चाहिए कि उत्तर पुस्तिका के अनुरूप जो भी बच्चे ने लिखा है, प्रेजेंट करा है, उसको ही ध्यान में रखकर क्या है, आंसर्स को मार्क करे और बच्चे को मार्किंग दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाए तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा के अंदर क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए, तो आप इसका जो रीज़न है मेन रीज़न मानेंगे या फिर बोलेंगे कि ये इस कारणवश हुआ है, तो वो किसका उत्तरदायित्व होगा। विद्यालय में उपलब्ध कमजोर सुविधाओं के कारण ऐसा हुआ होगा, आधिकारिक की कमजोरी योजना के कारण ऐसा हुआ होगा, आपकी अपनी शिक्षण विधियां कमजोर होंगी इसलिए ऐसा हुआ होगा, बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही के कारण ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है आपकी अपनी शिक्षण विधियां क्या थी, एप्रोप्रिएट नहीं थी, आपने टाइम पे उन पे चेंज नहीं किया, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, जिससे क्या थे आपकी कक्षा के अंदर अधिकांश विद्यार्थी असफल रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, अधिगम का यानी कि लर्निंग का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या होता है, सामाजिक समायोजन, व्यवहार रूपांतरण, व्यवहार में परिवर्तन आना, ज्ञान अर्जन या कौशलों का विकास। तो यहाँ पे आपका आंसर है ज्ञान अर्जन। जो आपका लर्निंग है तो वो क्या कहती है कि आपको ज्ञान अर्जन करना है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान का अर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। ये आई थिंक 25 or 30 समथिंग क्वेश्चंस थे आज की वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव में। तो नेक्स्ट शायद, हाँ नेक्स्ट एक और आपकी केवीएस का एक और रहता है 2013 का पेपर, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद आपके केवीएस के भी प्रीवियस ईयर आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे, और हम इससे पहले तो एक एचटेट वाला कर ही चुके हैं सीरीज़, वो भी फिनिश कर दिया है। तो आज की वीडियो यहीं तक बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।